अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज मैंने आपके साथ एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ शेयर करनी है, जो कि है नूडल्स चैलेंज, वो भी स्मार्ट स्टाइल में, यानी कि पिचक पिचक की आवाज़ आ रही हो। आप लोगों ने देखना है और मुझे लाजमी बताना है किस किस को वो साउंड अच्छी लगती है खाने की और किस किस को मेरा थोड़ा सा ट्राई अच्छा लगा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। अच्छा, मुझे पता है आप सारे होंगे जज हंस रहे होंगे, लेकिन है रहा कोई बात नहीं, आप हंसे, आप इंटरटेन तो हुए ना। मेरा दिल कर रहा था ये वाले चैलेंज करने का, तो मैंने किया। आप लोगों ने बताना है आप लोगों को कैसे लगे, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगा तो भी लाइक कर देना। मैंने बड़ी कोशिश की, प्रीप्लेट था बनने की, लेकिन नहीं हो सकी क्योंकि मेरा पेट फुल हो गया था। तो चलिए थोड़ी सी और चीज़ें शेयर कर देती हूँ। आज आपके भाई ने क्या क्या काम किया वो भी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ये देखें भाई, आपके आज सुबह से लगे हुए हैं और ये पिंजरा तैयार कर रहे हैं मुर्गियों के लिए, साथ साथ ज़ियाउल्लाह फातिमा और दुल्ला भी लगे हुए हैं। ये देखें कि पहले उन्होंने लकड़ियाँ लेके गए हैं दरख्त और इनको प्लेन करवा के लाए हैं, और फिर ये देखें ये तैयार हुआ है। ये अभी इसका काफ़ी काम रहता है, सुबह से लगे हुए हैं आज। मैंने बात करनी है, जोया कहती है मैंने भी बात करनी है। जोया कुछ काम लगा हुआ है, बात करनी है जोरी। गुच्छा आया हुआ है इसका, गुच्छा आया हुआ है। बोलो मैं बाहर हूँ, मेरे लिए दा करनी है। बोलो भूख लगी हुई है जोया। अच्छा यार, मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहूँगी।
हमेशा मैं वीडियो के लास्ट में कोशिश करती हूँ कि आपको लोगों को एक अच्छा पैगाम दिया करूँ। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगी कि हमेशा पॉजिटिव रहा करें, पॉजिटिव सोचा करें। जब आप लोग पॉजिटिव सोचते हैं ना तो आपके अंदर तक पॉजिटिविटी जाती है और आप हैप्पी हैप्पी से फील होता है आप लोगों को, मतलब खुश खुश होते हैं आप, आपके चेहरे पर दिखता है कि आप जो है पॉजिटिव हैं, आपकी पॉजिटिविटी जो होती है आप लोग आपकी बातों से झलक रही होती है। अगर कोई नेगेटिव भी है ना तो आप लोग जब उसको पॉजिटिव वे में देखोगे, फील करोगे, सोचोगे तो हो सकता है वो पॉजिटिव हो भी जाए और आपको पॉजिटिव दिखने भी लग जाए। कोशिश किया करें, कोशिश किया करें आप अपने इर्द गिर्द भी पॉजिटिविटी रखें, जो कि आपकी सेहत के लिए भी अच्छी है, बाकी लोग की सेहत के लिए भी अच्छी है और यूट्यूब के लिए तो बहुत ही अच्छी है क्योंकि इधर पॉजिटिविटी बहुत कम देखने को मिलती है। हमेशा खुश रहा करें, दूसरों को खुश रखने की कोशिश किया करें, छोटी छोटी खुशियों में खुश रहा करें, दुखों को ज़्यादा दिल पर ना लिया करें, छोटी छोटी बातों पर आए पर ना हुआ करें। और इसके साथ ही बस आज का ब्लॉग कुछ इतना सही था। अपनी बहन को डे सारी दुआओं में याद रखना है, भाई को भी, मेरे बच्चों को भी। इसके साथ मिलेंगे किसी नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।